अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम एक दिन मदीने से गुजर रहे थे तो एक शख्स जिसका नाम था सवा, तो वो घोड़ा लिए जा रहा था, हुजूर को पसंद आ गया, उससे कहा कि ये बेचते हो? उसने कहा बेचता हूँ। कितने का? इतने का। कहा कि रुको, मैं इसकी कीमत लेके आया और तुम्हें देता हूँ। किसी ने उसको रुके हुए देखा तो पूछा यहाँ क्यों खड़े हो? उसने कहा मुसलमानों के नबी से इस घोड़े का सौदा हो गया तो वो कीमत लेने गए। उसने कहा मुझे ज़्यादा पैसों से दे दो। तो उसने कहा मैं तो यार सौदा कर चुका हूँ। उसने कहा कि कोई गवाह था? कहा नहीं। कहा मुकर जाना। उसको पैसों की लालच आ गई, उसने कहा ठीक है हुजूर, इतने में कीमत लेके पहुँच गए। तो उसने कहा मैंने तो आपसे सौदा कोई नहीं किया। हुजूर ने कहा अभी तो सौदा हुआ है। वो कहने लगा मैंने सौदा कोई नहीं किया। लोग भी इकट्ठे होने लगे, हुजूम बन गया। अब हुजूर कहे मैंने घोड़ा खरीदा है, वो कहे मैंने बेचा नहीं। अब जब लोगों का हुजूम बना तो लोगों के हुजूम का भी एक प्रेशर होता है। तो उसने कहा कि अगर बात लोगों पे चली गई तो सादिक भी ये हैं, अमीन भी ये हैं, तो लोग तो इन्हें सच्चा कहेंगे। उसने कहा अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जब दो आदमियों के माबैन यूं नज़ा बन जाए तो उसमें तस्वीर की सूरत क्या होती है आपकी शरीयत में? तो हुजूर ने फरमाया मेरी शरीयत तो कहती है कि जो मुद्दई है वो गवाह लाए, वल यमीन वाला मन अनकरा, जो इनकार करता है वो कसम दे दे। उसने कहा फिर ठीक है, आपका दावा है कि आपने घोड़ा खरीदा है तो फिर आप गवाह दें, और अगर आपके पास गवाह नहीं है तो फिर मैं कसम दे देता हूँ। झूठ उसने पहले बोल लिया था, कसम देना उसके लिए मुश्किल नहीं था, और उसको ये भी पता था गवाह कोई नहीं। तो उसने कहा जनाब आप गवाह पेश कर दें तो मैं घोड़ा दे देता हूँ जिस कीमत पर आप बता रहे हैं, और अगर आपके पास गवाह नहीं है तो फिर मैं कसम दे देता हूँ। अब भरी बजम थी, लोगों का हुजूम था, और उसने एक ऐसी बात की। कबल इससे के कुछ देर गुजरती हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान अल अंसारी रदी अल्लाह तआला आगे बढ़े और कहा कि गवाही मांगता है? उसने कहा जी मैं गवाही मांगता हूँ। तो कहा मैं गवाही देता हूँ, जितने में हुजूर ने बताया इतने में सौदा हुआ है और हुजूर ने घोड़ा खरीदा है। उसने कहा जी ठीक है, मेरा मुतालबा पूरा हो गया, गवाही चाहिए थी, दरकार थी गवाही, गवाही मिल गई। तो उसने घोड़ा दे दिया और कीमत उसने ले ली। कीमत उसने अपनी मर्जी की घोड़े के मुताबिक ही ली थी, वो तो ज्यादा पैसों के लालच में मुकरा था। तो खैर उसको रास्ता निकलने का मिल गया, लोग हटने लगे तो हुजूर ने हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इशारे से करीब किया और कहा कि तुमने गवाही दी, तुम तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे, तो तुमने गवाही कैसे दी? तो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा हुजूर घोड़ा क्या है, आपके कहने पर तो हमने रब की गवाही दे दी, हमने रब को देखा था, आपने कहा ना है तो हमने मान लिया, तो ये घोड़ा क्या होता है? तो हुजूर ने हजरत हुज़ैफ़ा का हाथ पकड़ के फजा में बुलंद किया और लोगों को कहा जाने वालों रुक जाओ। लोग ठहर गए। कहा किसी अदालत कचहरी में गवाह की जरूरत हो तो मेरी शरीयत दो गवाह मांगती है, लेकिन जहां मेरा खुज़ैमा होगा, हाँ हुज़ैफ़ा नहीं, खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह, जहां मेरा खुज़ैमा होगा वहां एक ही गवाही दो के कायम मुकाम होगा। फैज पहुंचा ए रिजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है? मैं अगर खुदा से मिलना चाहूं तो मुझे बताओ ना कि मैं किधर जाऊं, शर्क को जाऊं, गरब को जाऊं, शमाल को जाऊं, जनूब को जाऊं, नीचे सुराख करूं, ऊपर सीढ़ी लगाऊं, किधर जाऊं? आइए जरा कुरान का उसलूब देखिए। वाइजा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, हबीब मेरे बंदे तेरे पास आके मेरा पूछते हैं, बंदे मेरे हैं, मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे पास आ गए और तेरे पास आके फिर मेरा पूछने लगे। फ़इन्नी करीब, उन आने वालों को बतला दीजिए कि मैं दूर नहीं हूं नेड़े ही। फा ताकीबिया के बाद उलमाए तफसीर ने लिखा कि कुल मुकद्दर है, यहां कुल मानना पड़ेगा। फ़इन्नी करीब ए फकुल इन्नी करीब, उनको कह दीजिए कि वो दूर नहीं, आगे हो तो मिल जाएगा। यह है तर्जुमा कुल के मुकद्दर मानने से, लेकिन सूफिया फरमाते हैं कुल को मुकद्दर मानने की जरूरत ही क्या है, बात ही सीधी है। हबीब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक आ गए, तो महबूब जब तेरे तक आ गए मैं फिर भी दूर हूं। मेरे बंदे जब मुझे ढूंढते ढूंढते तेरे तक जो आ गए, तो महबूब तेरे तक आ गए हैं तो मेरे तक आ गए, ये तेरे पास आके फिर मेरा पूछ रहे हैं, जो तेरे पास आ गए वो मेरे पास आ गए, क्योंकि तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है। तो कहा अगर खुदा तक पहुंचना है तो मुस्तफा तक जाना होगा, बस यही रास्ता खुदा तक पहुंचता है। हर दिन एक नेकी ऐसी करें, चाहे वो बहुत छोटी क्यों ना हो,
वैसे नेकी को मेरे हुजूर ने कहा कि छोटी ना समझना, नेकी बड़ी होती है, नेकी बड़ी होती है। ला तह ताके रन्ना मिनल मारूफ वलो अन तल्क अखाका बेवजहिन तल्क। नेकी को छोटी ना समझना, अगरचे तुम किसी अपने मोमिन भाई को खंदा पेशानी से मिले क्यों नहीं हो। रास्ते से पत्थर उठा के फेंक देना ये भी नेकी है, सिर्फ एक नेकी, एक मिनट की भी हो सकती है, 10 सेकंड की भी हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है। एक नेकी रोज ऐसी करें जिस नेकी को तुम्हारे और तुम्हारे रब के अलावा कोई ना जानता, रोजाना एक नेकी। आप कहेंगे कई दिन तो बड़े मसरूफ होते हैं तो कैसे हम वो नेकी करेंगे जिसको कोई ना जानता हो। तो मियां आप ऐसा कर सकते हैं ना कि किसी शख्स के लिए ज़हरुल ग़ैब में, यानी उसकी पोशीदगी में उसको भी पता ना हो, तो उसके लिए हाथ उठा के दुआ मांग दे कि अल्लाह मेरे फलां भाई पर खैर कर दे, उसकी बख्शिश कर दे, और उसको सारी जिंदगी बताएं भी ना, चलते चलते रस्ते से कोई चीज हटा दे जिसको कोई ना देख रहा हो। यानी कुछ नेकी ऐसी करें जिसको लोग देखते भी हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन एक नेकी रोज की ऐसी करें कि जिसको आपके अलावा और आपके रब के अलावा कोई ना जानता हो, वो छोटी छोटी भी हों और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी भी नेकियां हों, तो फिर देखना कि जिंदगी कितनी सुरूर देती है। इससे बरकत क्या होगी, दिल में खुलूस पैदा होना शुरू हो जाएगा। मख्फी नेकी की अपनी लज्जत होती है, वो लज्जत आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि आज एक की है कल दो करें, परसों तीन करें, फिर छोटी की है तो बड़े लेवल की नेकी करें। इसका एक अपना लुत्फ होता है, इसका अपना सुरूर होता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये अमल कर सकेंगे, अपने लिए वक्त जरूर निकालें और सोने से कबल सारे दिन का जायजा लें, और जब जायजा लेंगे तो बड़ी चीजें आपको सामने आएंगी। फरमाया गया ना, हासिबू कबल अन तुहासबू, कबल इससे कि तुम्हारा हिसाब किया जाए तुम अपना हिसाब खुद किया करो, अपना हिसाब